हेलो दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। अगले 3 से 4 महीने में मिथुन राशि को कैसी सफलता मिलेगी, किस प्रकार की सफलता मिलेगी, कितनी मेहनत करेंगे, क्या क्या उनको लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान अगले 2 से 3 महीने के अंदर मिथुन राशि को मिलने वाला है लाभ ही लाभ। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। मिथुन राशि एक दोहरे चिन्ह वाली राशि है। इस राशि का गुरु बुध होता है। इस राशि में पैदा होने वाले लोग आमतौर पर ज़्यादा समझदार और तेज़ दिमाग के होते हैं। इन लोगों का रुझान संगीत के साथ साथ रचनात्मक चीज़ों में भी होता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये अगले 2 से 3 महीना बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इसके कारण होगा राहु और बृहस्पति 11वें घर में है और शुक्र और बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। शनि 9वें घर में होगा। आमतौर पर फायदा पहुंचाने वाला ग्रह बृहस्पति 11वें घर में है, जिसके असर से मिथुन राशि के जातकों को पैसा कमाने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इसी के साथ ही 11वें घर में राहु के होने से मिथुन राशि वालों को पैसा कमाने के कई अलग अलग अवसर भी प्राप्त होंगे। इस योग के साथ ही जातकों को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल 6ठे घर के स्वामी रूप में 2रे घर में होगा। इसी के प्रभाव से पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि मंगल 6ठे घर के स्वामी के रूप में 2रे घर में मौजूद है। इसी के असर से रिश्तों में भी कुछ परेशानियां आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नई नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इन महीनों में करियर का ग्रह कहे जाने वाले शनि 9वें घर में होगा और इसके प्रभाव से आपको इस महीने कुछ बेहतर रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। बृहस्पति, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है, वो 11वें घर में होगा और इसके प्रभाव से आपको नई नौकरी मिलने की संभावनाएँ बनेंगी। इसके अलावा आपकी नौकरी में आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। आपके चंद्र राशि के अनुसार सूर्य, बुध, राहु और बृहस्पति के 11वें घर में होने के कारण मिथुन राशि के जातकों को करियर में काफ़ी फायदा होने की संभावना नज़र आ रही है। इस राशि के जातकों को अपनी नौकरी के माध्यम से विदेश यात्रा का भी मौका मिल सकता है और जातकों को अपनी काबिलियत दर्शाने का भरपूर अवसर मिलेगा। खर्चे की अगर बात की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इन 2-3 महीनों में बड़े खर्चों के रूप में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मून साइन के मुताबिक मंगल 2रे ग्रह में है, जिसके प्रभाव से आपको अपने पुराने वादों के कारण कई खर्चे करने पड़ सकते हैं। 5वें घर में केतु के होने से इस राशि के जातक अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करने के लिए सक्षम बनाता है। बिजनेस की बात करें, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस राशि के जातकों के लिए काफ़ी मुनाफा कमाने की गुंजाइश होगी। अगले 2 से 3 महीने ग्रहों की ऐसी चाल बनेगी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा और ये सब बृहस्पति और राहु के 11वें घर में होने के कारण होगा। साथ ही इसी प्रभाव के कारण इस राशि के जातकों के लिए नए अवसर भी खुलते चलेंगे। आपको नए बिजनेस के लिए काफ़ी सारे अवसर मिलेंगे। आइए बात करते हैं सेहत की। मिथुन राशि के जातकों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि मंगल 6ठे घर में स्वामी के रूप में 1ले घर में होगा और ये स्थिति जातकों के लिए अनुकूल नहीं होगी। मंगल एक हानिकारक ग्रह है और आपके मून साइन के मुताबिक मंगल 6ठे और 11वें घर के स्वामी के रूप में 2रे घर में होगा, वहीं केतु 5वें घर में होगा। इन ग्रहों की स्थिति के कारण जातकों को अधिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें कंधों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। 11वें घर में बृहस्पति और राहु होने के प्रभाव से मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम संबंध में अच्छे संकेत मिल रहे हैं और इसी प्रभाव से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंधों में सब बेहतर होगा। शादी के लिहाज से अगर बात किया जाए तो शादी के लिहाज से समझे तो मिथुन राशि वाले जातकों को बृहस्पति और राहु के 11वें घर में होने से काफ़ी फायदा होने वाला है। जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी का संयोग भी बन रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ज़्यादातर चीज़ें उनके पक्ष में हैं, उनको लाभ ही मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, तो उसका ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी वीडियो जब भी हम आपके लिए लाएँ
आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत। देखते रहिए ज्ञान की बातें।